सो गाइस, आज हम लोगों को शूटिंग स्टॉप करना पड़ी बीच में ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज आज हमारे घर के आगे एक खाने का इवेंट है, फंक्शन है, कुछ मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एग्जैक्टली रीज़न। सो हमारे पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया था, तो हम सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे खाना खाने, एंड वी आर वेरी लेट गाइस। 6 बजे टाइम आउट होता है एंड 6 बजे हम एंट्री करने वाले हैं, मतलब 6 बजे पहुँचने वाले हैं। सो ही इज़ एल्डर ब्रदर, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ स्टेइंग इन द हाउस। सो ये देखिए, ये अभी देख रहे हैं, और हेयर इज़ द राकेश गाइस, ये मम्मी हैं जिन्होंने पहन रखी है ग्रीन कलर की साड़ी, और ये भाभी हैं जिन्होंने, हाँ, शादी से पहली बार घर से बाहर निकल रही हैं, मतलब कहीं जाने के लिए भाभी जी। एंड हेयर इज़ द बंदना। बंदना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, कम फास्ट। एंड गाइस, वी ऑलरेडी सो लेट, सो नाउ वी आर गोइंग, सी यू सून। सो गाइस, आई वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, आई नो आई एम नॉट गुड बट आई एम स्टिल ट्राइंग। So after dinner I let you know what we ate today. So guys, this is Khatter Star. Chup. So guys, here is my uncle's sons, my cousin brother. So now I let very you know very good English. So now guys, I let you know what I ate. So there was puri and kheer and potato ki sabji and nukti and sew. So that was the food of today. So guys, salt. What I forgot, Shashank? Salt water. Yeah guys, exactly. Shashank told me right. Salt, yes. Water. And it's happens, Shashank. Dona patal glass. Yaar, pangat mein hota hai namak aur pani, sab mein milta hai. Even किसी धर्मशाला जहाँ भी खाओगे, छोटी सी जगह तो पूरी भी सब जगह ही मिलती है। ओके, नहीं कहीं कहीं की जगह ना वो बाटियाँ और दाल भी होती है, वो फिर बापले का सिस्टम ही अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा, ओके गाइस। सो गाइस, आज का दिन बहुत ही बेकार गया, बिकॉज हम लोगों ने शूटिंग ऑलरेडी 2 बजे स्टार्ट किया था, 2 बजे से हमने 4 बजे शूटिंग ख़त्म कर दिया। एक नई लड़की आई थी जिसकी वजह से बहुत हेडेक हुआ, और हम जो रोल बता रहे थे उसे वो रोल भी अच्छे से नहीं कर पाई, और वो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आने वाली थी आज। सो आई फॉरगॉट टू आस्क, लेट्स गो हर हाउस एंड आस्क टू हर, सो व्हाट्स हैपन अबाउट दिस। ओके, सो वो एक लड़की को लाने वाली थी दोस्तों, सानू जो आई हुई थी, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या बोल दिया होगा। सो देखते हैं भाई, सानू अपनी फ्रेंड को लेकर आई कि नहीं। एक लड़की आ रही है कहीं, यही तो नहीं गाइस, सानू की फ्रेंड आई, नो आई एम नॉट श्योर। शशांक, क्या तुम पीठ पे कुछ लग गया क्या? शशांक की पीठ पर कुछ लग गया क्या? किस साइड शशांक, इधर या इधर? नहीं, तुम्हारी पीठ एकदम सही है। ओके, सो गाइस लेट्स गो टू सानू हाउस, सानू के घर चलते हैं। लेट्स गो टू सानू हाउस एंड आस्क हर हू इज दैट गर्ल फॉर वन टू कम इन एक्टिंग। सानू, क्या हुआ था, तुमने अपनी फ्रेंड को बुलाया था, बताओ। वो हमारी फ्रेंड आई थी, आप खाना खाने कर गई थी। हाँ, तो सानू ने संध्या को बुलाया है, देखते हैं संध्या जाती है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है, संध्या चली जाएगी? हाँ चली जाएगी। क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? राति। 9th क्लास में पढ़ती है ना? हाँ। ये इधर सरकारी स्कूल में। तो हाँ। संध्या कम एंड देखते हैं दोनों के पीछे क्या बातें होती हैं। मैंने बुलाया, सानू ने बुलाया, राति को बुलाने चले चले जाओ, चले जाओ। तो दोनों जा रही हैं, सहेलियाँ, बहनें, बाय बाय। ये गाइस, ये लोग जा रहे थे गाड़ी सीखने, बंदना को मैन वाली गाड़ी सीखना चलाना है। एंड गाइस, सी इज़ वेरी लेट एंड ऑलमोस्ट नाइट गाइस, आफ्टर हाफ एन आवर इट विल बी डार्क ऑल द एटमोसफियर, सो सी इज़ नॉट गोइंग, सी जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, सो सी वांट टू से समथिंग, लेट्स सी व्हाट शी सेज। गाइस, हम लोग खाना खाने गए थे वहाँ पे, देखिए मेरे टीका लगाया, मुझे बहुत सारे गेहूँ दिए, मतलब मुझे बचपन की याद दिला दी। पहले जब खाना खाने जाते थे, गेहूँ मिलते थे ना, तो हम बेच के बढ़िया कुरकुरे चिप्स चॉकलेट खाते थे, लेकिन अब गेहूँ हाथ में लेने में शर्म आ रही थी, बेचने तो दूर की बात थी, हमने बेचे भी नहीं, घर से लेकर आ गए थे। या गाइस, मैं बहुत ही पहले आ गई एंड मुझे गेहूँ नहीं मिले। सो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, खाना था 12 बजे से स्टार्ट शाम को 5 बजे तक,
और हम लोग गए 6:15 बजे, तो सब चले गए, टेंट हट गया और फिर हम लोग लेट हो गए, तो घर पे कोई नहीं था तो भैया यहाँ पर रुके हुए थे। फिर जल्दी से मैंने खाना खाया, फिर मैंने भैया को भेजा। सो दोस्तों मैं गेहूँ नहीं ले पाई, सो सैड। सो भाई देखते हैं, हमारी राखी मैडम आ रही है, का मैडम आ रही है, सानू जी लेने गई हैं। हाँ देखते हैं कैसी एक्टिंग, ऑडिशन लेंगे उनको, देखते हैं कि वो सिलेक्ट होती है या नहीं वीडियो बनाने के लिए। देखते हैं, बहुत दूर घर है उनको लेने, तो गई संध्या। हाँ तो वहाँ पे घर है कुछ, उधर टेंट लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, स्टिल वी आर वेटिंग, देखते हैं, और अंधेरा होने लगा, बट वी आर लुकिंग ब्राइट इन द कैमरा ड्यू टू सम टेक्निकल, ओके, सो टेक्निकल व्हाट, यस। सो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, हमारे घर के इधर एक ढाबा खुलने वाला है, सो जहाँ पे हम लोग बहुत सारे सीन लिया करेंगे। एंड गाइज, ये देखिए हमारे चाचा जी के लड़के जो घर से रहते हैं करीब 5 मिनट के रास्ते पे, दूरी पर मतलब, और इनको यहीं बहुत अच्छा लगता है, तो ये यहीं सोते हैं रात को अक्सर, और यहीं अपने रातें बिताते हैं। बहुत कैसा लगता है आपको हमारे घर पे, बताइए। अच्छा लगता है, लेकिन ये तुम बहुत बार बता चुकी, ये चाचा जी के लड़के हैं, सारे गाइस को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे चाचा जी के लड़का हूं। यस, आई फॉरगॉट आल्सो टू टेल यू योर नेम इन माय ब्लॉग, सो गाइज आई इंट्रोड्यूस हिम, He is Sasank Prajapati and he is studying. Guys, you let me know कि आपको शशांक को देख के क्या लगता है कि शशांक कौन सी क्लास में होगा। सो आई गिव यू टाइम टू थिंक, जस्ट टू थिंक गाइज, 5 सेकेंड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। क्या लगता है दोस्तों आपको ये महाशय कौन सी क्लास में होंगे? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। एग्जैक्टली दोस्तों मुझे भी याद नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ये महाशय अभी 11th क्लास में है। सो लेट्स आस्क, एम आई राइट? गलत जवाब। 12th? नो, तो आई एम इन द कॉलेज। सो गाइज, ही इज पार्किंग, लाइंग, टेलिंग लाई, ही इज इन 11th क्लास, मुझे पता है। और अभी ये भाई साहब ने लिया है बायो, और दिमाग से भले ही ये थोड़े ढीले हैं, पर पढ़ाई में काबिल हैं, और इनकी बॉडी तो गाइज देखिए। अरे कोई बॉडी नहीं है गाइज, इतने तो हर किसी के हाथ होते हैं। तो गाइज अभी हमारा सॉन्ग आने वाला है, मतलब ही जमाना, उस गाने में ये हमको देखने को मिलने वाले हैं विलन का रोल प्ले करते हुए। इससे पहले आपने कभी कोई गाना नहीं किया, तो आपको कैसा लग रहा है सोनम प्रजापति के वीडियो में आकर इतना बड़ा गाना शूट करवा करके, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही, कितने खुश हो आप बताइए? मैं इतना खुश हूँ, देखो अभी बताता हूँ। हाँ बस इतना खुश हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अच्छे से बताओ। अच्छे से तो बताया। सो इतना खुश हूँ, इतना। सो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इतना को, इतना मतलब बहुत नहीं शशांक, नो, वी आर नॉट गोइंग ऑन द रूफ बिकॉज़ वी आर जस्ट वेटिंग वन गर्ल एंड शी इज कमिंग गाइस, रेखा जस्ट आने वाली है, अब वापस आ जाना, मुझे लड़की का इंट्रोड्यूस लेना है यार, देखो वो एक्टिंग कर पाएगी या नहीं, प्लीज शशांक। तो मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं प्लीज, तुम भी नहीं, तुम भी मेरे साथ रहो। अच्छा एक काम करो, तुम चले आओ इंट्रोडक्शन तक, तो ठीक है, तुम एक काम करो, वंदना को भेज दो और बोल देना वो तुम्हारे नए एक्टर आ गए उनसे मिलकर आ जाइए बाहर, ठीक है? रेखा इज कम। सो रेखा राखी, एग्जैक्टली आई डोंट नो दोस्तों, मैं तो पता नहीं इतनी बुलक्कड़ होती जा रही हूँ, बेवकूफ़ सी, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ, बिल्कुल याद नहीं रहती। सो दोस्तों यार अभी मैं बहुत उदास हूँ, मेरे चैनल पे 7 दिन का स्ट्राइक लग गया, मतलब 3 महीने का, एक छोटी सी गलती की वजह से, जल्दी से वो स्ट्राइक हट जाए तब जाके मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये वंदना को भी पता है दोस्तों उस स्ट्राइक के बारे में, वंदना बताना। हाँ गाइस, आप लोगों को इससे पता होगा कि स्ट्राइक कितनी बड़ी चीज़ होती है, और कितनी मतलब एक यूट्यूबर के लिए कितना बड़ा हाथ, वो क्या बोलूँ उसको, हादसा टाइप का होता है जिसको वो झेल नहीं पाता है। ऐसा ही दीदी के साथ हुआ है गाइस, उनको स्ट्राइक आ चुकी है, वो बहुत अपसेट थी, 2 दिन तक बहुत अपसेट रही, उनका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। सो गाइस कहाँ, रेखा नाम है क्या राखी तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? 9th में? यहीं रहते हो? वीडियो देखते हो क्या हमारे? देखे हैं कौन कौन से? बहुत से।
बहुत सारे देखे हैं। अच्छा अभी दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस लैपटॉप। जी तुम्हारी बहन है पायल? स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन मैं? नाइन्थ में। स्कूल जाते हो? हाँ। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए फ्री हो। अच्छा कौन से स्कूल में जाती हो? इसका